फ्रेंड नमस्कार, मैं एनके जी महाराज सागर भाई, हंसता बोलता खिलखिलाता फ्रेंड, लेकिन थोड़ा सा वैसे कुछ है नहीं। मेरा कहना है फ्रेंड, आप लोग सुने होंगे आंख से वशीकरण करता है, तो चलिए आंख से हेप्नोटाइज जो करते हैं इंसान को, मैं आज हेप्नोटाइज के बारे में नहीं वशीकरण के बारे में बताता हूं। आप लोग हर कोई काम कर सकता है, लेकिन आती है दोस्तों, यदि आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, जब तक उसमें संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक लड़ता जीतता तो वही है जो लड़ता है, जो लड़ता नहीं है फ्रेंड वो जीतेगा कहां से। संघर्ष करेंगे, ऐसा नहीं कि मंत्र लिया किताबों में रह गए, वो मंत्र लिखा हुआ व्हाट्सएप पे ही रह गया तो फिर क्या फायदा। जब तक आप पढ़ने नहीं जाएंगे तब तक शिक्षा की कमी रहेगी, प्राप्ति नहीं हो पाएंगे। उसी प्रकार केवल मंत्र लेने से नहीं होगा, गुरु के बताए हुए मार्ग में चलने से आपको यह सब सहज हो जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड, आपको भी लगेगा ये सब दुनिया बेकार है, लेकिन ये सब करेंगे तभी होगा। तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि आंख से वशीकरण कैसे करना है और आंख से वशीकरण कैसे होता है। देखिए फ्रेंड, गांव घर में जो डायन होती है वो ज्यादा करके आंखों से ही आदमी को नुकसान करते हैं, इससे नुकसान करते हैं। आप लोगों को पता नहीं लेकिन मैं बता रहा हूं, सीख लीजिए। आंचल जो होते हैं डायन के, आंचल में उनके भूत रहते हैं, अजरेली कजरेली मालजक, ये बिहार वाले बढ़िया से जानते हैं, वैसे छत्तीसगढ़ वाले भी जानते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं जानते, पर नाम भूत के उनके अलग हो सकते हैं। महाराष्ट्र वाले भी जानते होंगे, यूपी वाले भी जानते होंगे, लेकिन बिहार में जो प्रचलित भूत है, जो डायन के आंचल में रहते हैं, आंख में रहते हैं, अंगुली में रहते हैं, उनका नाम है अजरेली कजरेली मालजक। ठीक है फ्रेंड, मैंने पिछले वीडियो में 6 महीना पहले बताया था, डायन के दूसरे पति का नाम है मालजक और एक पति है उनका। वैसे नाम देखा जाए इस पे मैं ज्यादा वो नहीं करूंगा अभी आप लोगों को, उसका नाम है अघोर मल पिचास, जिनसे वो डायन सीखती है, डायन विद्या सीखती है, प्राप्त करती है। ठीक है, उसका नाम है अघोर मल पिचास। ठीक है, एक होता है हम लोगों का अघोर, अघोर सिद्धि जो करते हैं, वो नहीं, वो अघोर मल पिचास है। ठीक है ना, ये सीधे अघोर है। तो फ्रेंड, डायन लोग क्या करती है, केवल कनखी चलाती है, कनखी चलाते ही उसका सारा भूत जो है वो उनके घर में चले जाते हैं, और जो कह के भेज देती है कि जाओ इनके बच्चे को उल्टी कराओ, मल कराओ, पैखाना कराओ, दूध, जो भी कह के भेजते हैं वही होते हैं। पेड़ है कटहल आम है, तीता कर दिया मारा कनखी तीता, तो ये सब कहां रहते हैं, अंगुली में रहते हैं, आंख में रहते हैं, उनके भाव में। ठीक है ना फ्रेंड, तो आज मैं वही आपको मंत्र बताऊंगा कि आंख से कैसे वशीकरण करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो है सो केवल स्त्री के ऊपर ही किया जाता है यह आंख से वशीकरण करना। देखिए, आप कहीं भी कर सकते हैं, मैं ऐसा नाम नहीं लूंगा कि आप जाके फलने जगह करना है, जुए सट्टा में भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जुआ सट्टा के लिए, वो उनके लिए एक जड़ी भी होता है और मंत्र भी होता है, दोनों में बताएंगे, उस वीडियो में हम दोनों बता देंगे, पर अभी मैं बता रहा हूं आंख से वशीकरण करना है। आंख से वशीकरण कैसे होगा, तो फ्रेंड आंख से वशीकरण करने के लिए चलिए मैं आंख से वशीकरण करने का मंत्र है फ्रेंड, ओम कालिका विधनमयी शमशान वासिनी धीमही धियो योना प्रचोदयात। तो इस मंत्र से आपको करना क्या पड़ेगा फ्रेंड, यदि काली बिल्ली मिल जाए तो उनके जो है उनको गाड़ करके उनके सिर को निकालना है, और सिर जब उसका गल जाए उनको साफ करके शनिवार को निकाल करके उसके सिर पर दीपक रखना है, दीपक रख करके और एक कपटी लेना है, कपटी को ऐसे रखना है, दीपक ऐसे रखना है, ताकि ये दीपक जल जल के इस कपटी में वो उनका राख बैठ जाए कालिक, और घी का दीपक जलाना है फ्रेंड, और वो दीपक में वो जो कपटी में कालिक जम जाएगा वो काजल, उनका काजल बनाना है, और फिर काजल बना करके और इसके बाद घी, वो जो दीपक में तेल रहेगा उसी तेल का आपको उसमें मिलाना है, और मिला करके अपने आंख में लगाना, यह एक प्रकार का बहुत क्या बोलता है तिलक भी होते हैं फ्रेंड, लेकिन आपको तिलक भी लगा लेना है और यहाँ पे और दोनों आंख में लगा लेना है,
और आंख में लाया करके जिसको वशीकरण करना है फ्रेंड, उनको देखना है थोड़ा सा, वो आपसे आपको देख करके बार बार आंखें चुराएगा, आप कोशिश करके देखिए। दूसरी बात, यदि बिल्ली ना मिले तो काली माता का जो मंदिर है वहां पर भी आज जा करके आप 21 दिन तक ऐसा दिया दीपक जलाए और वह 21 दिन तक राख लेकर के आए और उसको मिलाना है। देखिए फ्रेंड, यदि कुछ समस्या रहे और ना समझ में आए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे निश्चित रूप से। ठीक है फ्रेंड।